बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स? फर्स्ट ईयर मैथमेटिक रिव्यू एक्सरसाइज आज करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मैं साहब जो लेक्चर्स अपलोड कर रही हैं तो साथ साथ हमें रिव्यू एक्सरसाइजेस भी दें, तो मैंने सोचा कि मैं हर चैप्टर के बाद आप लोगों को जो है वो MCQ सीरीज़ भी साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी और साथ में इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज के जो और अदर क्वेश्चंस हैं वो भी करवाऊँगी। फिलहाल आप लोगों को ये खुद भी करना चाहिए, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्सरसाइज से आपको कितना समझ में आया। ये आपका एक टेस्ट भी होता है एक किस्म का, ठीक है? लेकिन मैं इंशाल्लाह इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी, ठीक है जी। अगर लेंथी हुआ तो मैं इनको पार्ट्स में कर दूँगी, अदरवाइज़ कोशिश करेंगे इसको कि 1-1 आवर के लेक्चर्स में जितना जितना आता है, अगर क्वेश्चन नंबर 2-3 1 आवर में आ जाता है, 4-5-6-7-8 तमाम अगर एक एक, क्योंकि इनके पार्ट्स हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्यूटिंग स्क्वायर रूट मेथड से करना है, फिर ये वेरीफाई द क्वेश्चंस, ये देखें इनको थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलें, खैर अभी फिलहाल आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली ये सेलेक्ट द करेक्ट आंसर MCQ उस पर है। रिव्यू एक्सरसाइज आपके पेज नंबर आपको 22 पर मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है, जैसे कि आप सबको पता है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है आपके पास, ठीक है जी। अब हम फर्स्ट MCQs के ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट MCQs में क्या कहते हैं जनाब, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो यहाँ पे कहता है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, और यहाँ पे आप मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू, देखो भाई आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फ्रॉम फर्स्ट वाले का, पहले मैं आपको बता रही हूँ, वन बाय वन हम यहाँ पे जो है आपको गाइड करूँगी। इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। हमारे पास हमारी रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है, 1। इसमें हम क्वेश्चन नंबर आज 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास आपका MCQs है, ठीक है जी। इसका फर्स्ट MCQs आप देख लें, इसमें वो क्या कहता है, पहले तो आंसर्स यहाँ आएंगे, पहले आपको समझा दूँ कि हमारे पास सॉल्यूशन, वो कहता है कि आपके पास जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, और या मॉडुलस ऑफ जेड, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड भी कह सकते हो, किसके इक्वल होता है। आपने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी ना, प्रॉपर्टी नंबर 1 आपने क्या पढ़ी थी, जब हमने आपको एक वेरीफाई करना भी बताया था, प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपने ये चीज़ पढ़ी है अपने उसमें कि आप या तो मॉडुलस ऑफ जेड ले लो, ठीक है, ये इक्वल होता है माइनस मॉडुलस ऑफ जेड के, या आप जो है कॉन्जुगेट करके उसका मॉडुलस ले लो, या माइनस जेड करके उसका कॉन्जुगेट करो, ये आपस में क्या होंगे, सब इक्वल होंगे, क्या होंगे, सब आपस में इक्वल होंगे। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है, मॉडुलस ऑफ जेड भी दिया गया है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड कर भी दिया गया, उसका मॉडुलस है आगे, माइनस जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो मॉडुलस कह रहा है, अगेन माइनस जेड को जो है कॉन्जुगेट कर उसका जो है मॉडुलस फाइंड करना है। तो ये सब इसके में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा डी, ऑल ऑफ दीज, फर्स्ट वाले में आएगा डी, ऑल ऑफ दीज, चलें जी, ठीक है बेटा, ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, तो बुक में आप लोग मार्क करते जाइए, इसे डी का उसका राइट आंसर है फर्स्ट वाले का, ठीक है जी। नाउ हमारे पास हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं जनाब, यहाँ पर आप देखो, अब कहता है इफ़ जेड वन एंड जेड टू आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर हमारे पास जेड वन और जेड टू जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, या एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि सोल्यूशन मैं यहाँ दे रही हूँ तो मैं इनके आंसर जो है वो साइड पर इस जगह आप लोगों को मेंशन करती रहती हूँ, ताकि एक जगह हो जाएंगे आंसर्स, तो फिर आप मुझे बताना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट वाले का ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज, आप यहाँ लिख दीजिए ऑल ऑफ दीज, फिलहाल मैंने बुक में भी मार्क आपको करवा दिया है, ठीक है, तो आप बुक में भी लगा सकते हैं। और सेकंड वाले का देख लेते हैं, सेकेंड वाले में क्या कहते हैं, देखो बच्चे सेकेंड वाले में ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देखो जेड वन और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है जेड टू, प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ा था, आप यहाँ मेंशन कर लो ताकि आपको याद रहे, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने इस पर बहुत डिटेल में पढ़ा था, मैं आपको बुक में दिखा भी देती हूँ, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि अगर हम, और हमने प्रूफ भी किया था, जिसको इन इक्वेलिटी की प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर, जिसको हम कहते थे ट्राइंगल इन इक्वेलिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर हम जेड वन जो है मॉडुलस ऑफ जेड वन लें या मॉडुलस ऑफ जेड टू लें, इन दोनों को आपस में माइनस करके इसका जो आंसर आएगा वो लेस देन होगा और इक्वल होगा किसके, जेड वन प्लस जेड टू मॉडुलस के, और ये अगेन इक्वल एंड लेस होगा किसके,
Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस के, इन दोनों में प्लस आएगा और यहाँ माइनस। अब यहाँ पे कंडीशन में क्या देखो, ऑप्शंस में क्या दिखाया गया है, अगर आप बुक देखो तो आप ऑप्शंस में देखो, यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें कहता है कि Z1 प्लस Z2। अब नीचे देखो, पहली बात तो ये है कि जिसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ लेस का साइन है, वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब तो ये है कि ऑप्शन ए और सी तो है ही नहीं। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बी और डी की। ऑप्शन बी और डी में हमारे पास पहला वाला है Z1 प्लस Z2 लेस है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2, तो यही राइट आंसर है, क्योंकि ग्रेटर देन तो नहीं होता, लेस होता है, लेस होता है और इक्वल होता है Z1 प्लस Z2। देखो यहाँ पर नोट करो ये चीज़, इतनी चीज़ को नोट करो उठाकर, Z1 प्लस Z2 का अगर हम कॉन्जुगेट जो है वो लें, मॉडुलस फाइंड करें, वो बराबर किस लेस होगा और इक्वल होगा किसके, Z1 मॉडुलस और प्लस Z2 मॉडुलस के, ठीक है जी। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो राइट ऑप्शन जो है वो बी है, बी ऑप्शन जो है इसका राइट है, आप लोग यहाँ पे मार्क कर लें। तो हमारे पास जो है यहाँ पर इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट है, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट है, आप बी पे टिक लगा लें और यहाँ पर भी लिख दें ऑप्शन जो है वो आपका बी राइट है, ठीक है। सिर्फ आप उसे मेंशन भी मत करें, तो सिर्फ आप इसके सिर्फ आंसर्स भी लिखते जाएं तो वो भी बेस्ट है कि आप इसके ऑप्शंस लिख दें कि सेकंड वाले का बी ऑप्शन राइट है, ठीक है जी। चले इसको नोट कर लें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो आपके ज़रूरी नहीं आपके एग्जामिनर आपको इसी का दे, आपको मैं पहले वाला भी दे सकता था। चलो खैर, थर्ड में क्या कहता है, थर्ड में अगर आप नोट करो यहाँ पर, तो थर्ड में कह रहा है इफ़ जेड इज़ इक्वल टू 3i - 4। जेड जो है क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि अगर हमारे पास जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, वो 3i - 4 है, तो आप यहाँ पे जो फाइंड कर दो कि जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा। हमें यहाँ पर इस चीज़ को प्रूफ करना है, क्या ये 8 के बराबर होगा, -3i के बराबर होगा, -8 होगा, या 3i - 8 के बराबर। हम सॉल्व कर देखते हैं, हमें सॉल्यूशन के बगैर नहीं पता चलेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3i - 4 प्लस, अब ये जेड कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि हमें इसके इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देना, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल ये जेड है, हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है, तो हम जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन को चेंज कर देंगे और रियल पार्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा -3i - 4। तो हम क्या करेंगे, इस वाले माइनस जेड के जेड कॉन्जुगेट की जगह पर ये लिख देंगे -3i - 4। हमने क्या किया, जेड कॉन्जुगेट ये लिख दिया, ठीक है बच्चे, और ऐड कर रहे हैं हम किस में, यहाँ पर जेड में, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। आप कहेंगे मिस यहाँ पे प्लस लगाया आपने, माइनस क्यों लगा दिया, देखो बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ब्रैकेट में रख कर देख लो, ये जेड हो गया, बीच में प्लस रखा, जब आपने इसका कॉन्जुगेट लिया वो आया -3i - 4। आप कर देख लो माइनस ही आएगा, ब्रैकेट ओपन करो, 3i - 4, देखो प्लस माइनस माइनस का 3i, प्लस माइनस माइनस का 4। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो कोई मसला नहीं है, आप साइन डाल के, हो सकता है वो यहाँ पे माइनस भी दे सकता था, अगर आप लोगों को थोड़ा सा इशू होता है साइंस वगैरह का तो आप ब्रैकेट में रख कर करें, कोई इशू नहीं है। देखो प्लस का 3i माइनस के 3i से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो 4 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 8, साइन आएगी किसकी, माइनस की, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है -8 आ रहा है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। थर्ड वाले में आ रहा है हमारे पास, अब यहाँ लिख लो सी, तो हमारे पास हम बुक में भी मार्क कर लेते हैं, हमारे पास थर्ड में आ रहा है -8, ठीक है जी, हमने यहाँ लगा दिया है -8। चले अब हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं और नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट MCQs है वो MCQs नंबर 4 है। MCQs नंबर 4 में वो क्या कहता है, इफ़ ए इज़ लेस देन 0। अब वो क्या कह रहा है MCQs नंबर 4 में, कि अगर इफ़ ए जो है वो हमारे पास लेस देन 0 हो, और कह रहा है कि बी जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो और बी जो है वो लेस देन 0 हो, तो क्या ए बी लेस ग्रेटर देन 0 होगा, या ए बी का प्रोडक्ट, मतलब ए बी का जो प्रोडक्ट लें हम, क्या वो लेस देन 0 होगा या ए बी इक्वल होगा 0 के, ये ऑल ऑफ दिस। देखो बेटा आपने एक चीज़ नोट की है, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम ए और बी का प्रोडक्ट लेंगे तो वो लेस देन 0 होगा, कैसे, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि हमारे पास वो 0 होगा। देखो बेटा अगर आप नंबर लाइन की बात कर रहे हो, देखो नंबर लाइन पर देखो, आपको पता है बीच में 0 होता है, राइट साइड पर 1 2 3,
-1, -2, -3। अब जीरो की राइट साइड पे जितने नंबर्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे तो नंबर उतना बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही ना, 1, 2 बड़ा है, 2 से बड़ा 3 है। लेकिन इन केस जब जीरो की राइट लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं -1, -2, -3 अगर हम इनकी बात करते हैं तो हमारे पास जैसे जैसे नंबर बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे वो नंबर छोटा होता चला जाएगा, ये तो आपको मालूम है। अब यहाँ पे ए और बी प्रोडक्ट की बात कर रहा है। अगर मैं एक्चुअली आपको एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ, अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ए जो है वो जीरो से हमारे पास बड़ा है, तो मैं कोई भी नंबर रख लेती हूँ, मैं 3 रख लेती हूँ। मैंने कहा कि ए जो है वो जो हमारे पास जीरो से क्या है, बड़ा है, तो मैंने यहाँ पर रख लिया 3। ठीक है, यहाँ 3। अब प्रोडक्ट कह रहा है ए बी का प्रोडक्ट, तो हमें यहाँ पर ए लेना है और यहाँ पे हमें बी रखना है। ऐसे ही ना, ए बी का प्रोडक्ट चाहिए ना हमें, वही बता रहे हैं ना कि क्वालिटी आपको लगा कर बताना है कि कौन सा साइन आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब कोई भी नंबर रख लो, मैंने ए की जगह यहाँ पे रख लिया 3, क्लियर हो गया। अब बी में कहता है बी जो है वो लेस देन जीरो है, तो जीरो से छोटा कोई भी नंबर, चाहे आप बड़े से बड़ा नंबर भी रख लो, -1 रख लो चलो, तो मल्टीप्लाई करो इनको, प्रोडक्ट लो, तो ये आ जाएगा -3। तो -3 मतलब क्या है, जीरो से और छोटा हो गया। ऐसा ही ना, मजीद और जितना नंबर बढ़ता चला जाएगा उतना वो छोटा होगा। इसका आंसर आएगा कि ए बी को जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास लेस देन 0 आएगा। ठीक है, समझ में आया अभी आप लोगों को। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं अब यही नंबर, आप बड़े से बड़ा नंबर भी रख के देख लो। देखो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल बड़े से बड़ा नंबर रख लो, चाहे आप यहाँ 6 रख लो और यहाँ पे भी बड़े से बड़ा नंबर रख लो, बेशक आप यहाँ पे -4 रख लो चलो, या 3 रख लो, 8 रख लो, 5 रख लो, कोई इशू नहीं, तो -5 रख लो चलो। ठीक है, अब 6 5 जो होता है 30 और ये आ जाएगा -30। तो मतलब ये तो 3 तो फिर भी बड़ा नंबर था, ये तो -30 तो और छोटा हो गया। तो ए बी का हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो लेस देन 0 ही आएगा। समझ में आई अभी आप लोगों को ये वाली बात? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है आपकी बुक में, ये ऑप्शन दिया गया है, आई थिंक ए बी जो है वो आना चाहिए लेस देन 0, बी राइट आंसर है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ पर टिक लगा लें, यहाँ पर देखें अपनी बुक कि हमारे पास ए बी जो है वो लेस देन 0 है, तो बी इज़ द राइट आंसर। आप यहाँ पे बी पर टिक लगाएं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर हो गया, चलो इसको हम यहाँ से कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है जी, चलो अब हम करते हैं MCQs नंबर 5। MCQs नंबर 5 में वो क्या कहते हैं, MCQs 5 में वो कहते हैं इफ़ n इज़ एन इवन इंटीजर्स, अगर n जो है वो हमारे पास इवन इंटीजर्स हो, देन आयोटा इज द पावर ऑफ n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। देखो भाई, यहाँ पे वो कह रहा है कि n जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास इवन नंबर्स। ठीक है, n क्या बिलोंग कर रहा है, देखो n इज़ द पावर ऑफ n, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास ये जो n है ये बिलोंग कर रहा है इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं विच इज़ डिविजिबल टू, डिविजिबल बाई 2, 2, 4, 6, जो 2 से प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, एंड सो ऑन, ना ख़त्म होने वाले नंबर जो 0 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, 1 by 1 इसमें इवन नंबर को पुट करके फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं आयोटा के ऊपर पावर 2 रख दूँ तो आंसर क्या आएगा, मुझे मालूम है कि आयोटा के ऊपर स्क्वायर है वो बराबर होता है -1 के। अगर मैं आयोटा के ऊपर पावर जो है यहाँ पर 4 रख देती हूँ, तो मैं इसको ब्रेक करूँ अगर, तो आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करती हूँ, आयोटा का जो स्क्वायर बराबर होता है ये भी -1 के प्रोडक्ट है, और आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो आंसर क्या देगा, -1 प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1। पहला आंसर आया -1, दूसरा आया +1, तो सिंपल सी बात है, यहीं से आपको इसका आंसर पता चल रहा है। अगर आप ऑप्शंस में देखो तो ऑप्शन में फर्स्ट आपके पास आयोटा आ रहा है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा पहला आंसर -1 आया है, दूसरे में माइनस का आयोटा आया है तो माइनस का आयोटा भी नहीं हो सकता, तीसरा वाला जो आया है 1 और -1 आ रहा है, पहला पॉजिटिव 1 आ रहा है, दूसरा जो है हमारे पास नेगेटिव 1 आ रहा है। चलो ये कर देखते हैं अगला, देखो आयोटा और माइनस आयोटा ये भी नहीं हो सकता, साफ साफ पता चल रहा है कि इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है, लेकिन फिर भी मैं आपको मजीद पूरा करके दिखाती हूँ, आपको पता चले ताकि आया कैसे है। देखो भाई, आयोटा के ऊपर स्क्वायर रखा -1, आयोटा के ऊपर 4 रखा तो आया 1, अब आयोटा के ऊपर जब हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो यकीनन हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सिंपल -1 आना चाहिए, तो फिर इसका मतलब कि हमारी वेरिफिकेशन ठीक हो रही है और ठीक जा रहा है। इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 6 हो गया, अब आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के ऊपर पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई करो तो -1 ही देगा, तो देखो -1 आ गया। अब मैं आयोटा के ऊपर पावर 8 रख कर देखते हैं, आयोटा के पावर 8 स्क्वायर अलग कर दो और आयोटा के ऊपर पावर जो है 6 जो है इसको अलग कर दो,
जब स्क्वायर होगा तो हमें पता है आयोटा का जो स्क्वायर है बराबर है माइनस वन के, और सिक्स को ब्रेक करो तो टू थ्री ज़ा हो जाएगा सिक्स, तो माइनस का वन ऐसे ही रहा हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे आयोटा का जो स्क्वायर है बराबर होता है माइनस वन के, ऊपर पावर है थ्री, ऐसे ही है ना। अब देखो ये तो माइनस का वन ही है, और यहाँ पे देखो क्यूब आ रहा है तो मतलब माइनस का वन देगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और वन वन जा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे वन, क्लियर हो। तो ये पॉजिटिव वन आया, देखो पहला माइनस वन फिर वन फिर माइनस वन, फिर यकीनन आगे वाला जो आंसर आएगा टेन रखने पे वो हमें माइनस का वन देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन जो है वो आपके पास आ रहा है सी। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर भी लिख लो, यहाँ पर सी इज़ दी राइट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, और अपने तमाम फ्रेंड के साथ शेयर किया करें, ठीक है बेटा। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स की जानेब। हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स में वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहता है इफ़ जेड इज़ एन एनी रियल नंबर, जेड जो है एनी रियल नंबर देन इट्स कॉन्जुगेट। अगर जेड हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो आप मुझे पता, बच्चे कहेंगे जी मीन माइनस एक्स होगा, नहीं ना बेटा, रियल नंबर का तो कॉन्जुगेट, रियल नंबर का तो कॉन्जुगेट फाइंड ही नहीं करते। जब भी हमको इमेजिनरी पार्ट, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा है, देखो जब भी हमें कॉन्जुगेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अपना जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन को चेंज करते हैं ना, हम रियल पार्ट की साइन को तो चेंज करते ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट तो रियल पार्ट ही रहता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, एक्स ही होगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ जेड इज़ एन एनी रियल नंबर, जेड जो कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, और तो उसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा। तो सिंपल हमारे पास फाइव वाला जो है, सॉरी सिक्स वाला जो है, उसका जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास क्या होगा बच्चे, वो सिंपल एक्स ही होगा, क्योंकि हमारे पास जो रियल पार्ट है उसका कॉन्जुगेट हम चेंज नहीं करते। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए ही राइट है। नज़र आ रहा है आप लोगों को, एक मिनट में कैमरा में देख लो, अब देखें, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास एक्स ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देंगे फाइव, और सिक्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा ए, ऑप्शन ए, हमने यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो मेंशन कर दिया, ठीक है जी। समझ में आया अभी आप लोगों को, आगे आ जाते हैं। अब हम अपना एमसीक्यूज़ नंबर सेवन कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर सेवन में वही क्या कहते हैं, एमसीक्यूज़ नंबर सेवन में कहते हैं, अच्छा सिंप्लीफिकेशन आ रही है, माइनस का वन है और इसके ऊपर पावर माइनस ट्वेंटी वन बाय टू है। इसको हमें सॉल्व करके बताना है कि ये किसके इक्वल आ रहा है, कि आयोटा आ रहा है, माइनस आयोटा है, वन है, वॉट है, कुछ भी हो सकता है। चलो सॉल्व करते हैं, पहले तो एक काम कर लेते हैं। देखो ये माइनस का वन है ना, इसके ऊपर पावर जो है हमारे पास जो दी गई है, ये वाली पावर आपको नज़र आ रहा है, ये ट्वेंटी वन बाय टू है। अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ मेरा बेटा माइनस, अगर वन बाय टू लगाऊँ ऐसे, वन बाय टू को अलग कर दूँ और माइनस का ट्वेंटी वन में अलग कर दूँ, ठीक है। देखो अगर इस तरह होता तो इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई करते थे ना, ट्वेंटी वन बाय टू मल्टीप्लाई करूँ, ट्वेंटी वन वन ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई टू, इस तरह हो सकता था। मैंने इसको ओपन कर लिया ब्रेक, क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है किसी ना किसी तरीके से, क्या आंसर आता है। अब हमें पता है कि माइनस का जो आयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है माइनस वन की, आप सब जानते हैं, और अगर सिंपल आयोटा आ जाए तो वो बराबर होता है रूट माइनस वन की, ये भी आपको मालूम है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इसको पॉजिटिव करना चाहूँ, ये रूट एक काम करो, सबसे पहले इस रूट को ख़त्म, वन बाय टू को ख़त्म करते हैं। इस माइनस वन बाय टू का मतलब है इसके ऊपर एक रूट है, ऐसे ही है, और ऊपर जो है हमारे पास माइनस का ट्वेंटी वन है, क्लियर हुआ। अब इस माइनस के 21 को अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करूँगी, क्या अच्छा एक और चीज़ भी कर सकते हो कि रूट माइनस वन जो है ये बराबर है आयोटा के, तो यहाँ आ गया आयोटा और ऊपर आ गया माइनस का 21, ये तो मज़ीद सिंप्लीफाई होता जा रहा है। अब मुझे इसको पॉजिटिव करना है अपनी पावर को, तो मैं क्या करूँगी, इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँगी, ठीक है, मैं वन बाय पूरा उठाकर इसको पॉजिटिव कर दूँगी, तो ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई आयोटा इज़ द पावर ऑफ 21। अब याद रखो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग करते हैं, करते हैं ना रैशनलाइज, उस तरह भी कर सकते हो, पहले इसको ब्रेक भी कर सकते हो। एक और काम कर लो, पहले इसको ब्रेक कर लो बाद में रैशनलाइजिंग करेंगे। 21 है तो हम इसको किस तरह ब्रेक करें, अगर मैं इसको इस तरह करूं आयोटा और फिर आयोटा अलग कर दूं और आयोटा के ऊपर पावर 20 अलग कर दूं, ऐसे हो सकता है। देखो मैंने आयोटा अलग कर दिया और आयोटा के ऊपर पावर जो 20 थी इसको मैंने अलग कर दिया, मैं 20 को मज़ीद ब्रेक कर सकती हूँ, कैसे, वन डिवाइडेड बाई आयोटा और आयोटा टू टेन या 20, मतलब टू में ब्रेक करूँगी तो आयोटा का स्क्वायर, मुझे हमेशा जब भी आप ब्रेक करो आप इसी तरह ब्रेक करो कि आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है माइनस का, मजीद सिंप्लीफिकेशन आपकी जो होती जाएगी। यहाँ कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, वन डिवाइडेड बाय आयोटा, आयोटा का जो स्क्वायर बराबर है माइनस वन के, ऊपर पावर है हमारे पास 10, ठीक है। मजीद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वन डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू
आयोडा के ऊपर पावर 10 है तो पॉजिटिव का हमारे पास क्या देगा, 1 देगा। अब 1 को आयोडा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय आयोडा आ जाएगा। अब देखो अगेन डिवाइड में आयोडा हमें कबूल नहीं है, हमें मालूम है कि आयोडा अगर डिवाइड में आ जाए, सिंपल आयोडा डिवाइड में आ जाए तो हमें क्या करना होता है, उसकी रैशनलाइजिंग करनी होती है। रैशनलाइजिंग का क्या मतलब होता है, हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना होता है, इसको रैशनलाइजिंग कहते हैं, इसके कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, अब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो माइनस आयोटा से, तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा, और आयोटा आयोटा हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। माइनस का आयोटा ऐसे ही रहेगा, माइनस अपनी जगह पर, ये वाला आयोटा का जो स्क्वायर है ये बराबर हो जाएगा माइनस। बड़ा ध्यान से कीजिएगा कि अब साइन वगैरह की मिस्टेक आपसे ना हो जाए। तो ये माइनस का आयोटा फिलहाल अपनी जगह पे रहा, माइनस माइनस हो गया प्लस का 1, डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका मतलब माइनस का आयोटा आपके पास इसका आंसर आया। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। अब यहाँ जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप बताएं कि माइनस का आयोटा जो है कौन से ऑप्शन में आ रहा है। माइनस का जो आयोटा है मेरा बेटा वो आ रहा है आपका, आ भी रहा है माइनस आयोटा, बिल्कुल आ रहा है 7 वाले में आ रहा है माइनस का आयोटा, ऑप्शन बी राइट है। तो 7 वाले का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको यहाँ से नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। जी बेटा, अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट MCQs है, इसमें ये क्या कहते हैं, इफ़ जेड ऑर्डर पेयर में दिया गया है 0 1, देन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर है जनाब 7 जो है वो हम कर चुके हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा जी, जेड जो है वो ऑर्डर पेयर दिया गया है 0 और 1, ठीक है, और वो कहता है कि रिक्वायर्ड में जेड स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में चेंज करो, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में उसको हम चेंज करते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं। ये ए है और ये हमारे पास बी है, तो ए 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, ए 0 है प्लस बी जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पर आयोटा तो नहीं लगाएंगे, फिलहाल लगाएंगे आयोटा और 1, और इसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है, और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 1 के। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, ये तो बड़ा आसान था। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर बराबर किसके होता है, माइनस 1 के। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, माइनस 1 हमारे पास आ रहा है जनाब ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो आप टिक लगा लो, यहाँ पर ऑप्शन आएगा आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। 8 वाले में भी ऑप्शन बी आ रहा है, 7 और 8वें वाले में भी बी आ रहा है। ठीक है, हमने बी लिख दिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, फिलहाल ये खुद ही मिट गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास हमारा MCQs नंबर 9 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम प्रोडक्ट लें किसी भी दो कॉन्जुगेट नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो हमेशा रियल ही होता है। करके देख लो, आयोटा को रख लो, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, दो प्रोडक्ट लेना हो दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो वो हमेशा रियल नंबर आता है, कर देख लीजिएगा। ठीक है, 9 वाले में ऑप्शन ए आएगा। जब भी आप दो जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर करते हो, तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आता है, रियल आता है। तो इसका आंसर ए राइट होगा। ठीक है जी, आगे आ जाओ। आगे कहता है रियल पार्ट 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा इक्वल किसके होगा। 10 MCQs में हमें क्या पता किसके इक्वल होगा, कर देखें तो ये तो पता चलेगा ना, डायरेक्ट तो आप नहीं बता सकते। डायरेक्ट इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि डिवाइड में हमारे पास आयोटा है। अगर सिंपल यहाँ होता तो आप बता देते कि रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 2 है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये है। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पर डिवाइड में आ गया है हमारे पास आयोटा, तो आपको पता है कि डिवाइड में अगर आयोटा आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी वेरिफिकेशन करनी, रैशनलाइजिंग करनी पड़ती है। तो 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड में, डिवाइड में आयोटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ डिनोमिनेटर के। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर देख लो, जब हम 2 आयोटा को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 1 2 हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से करोगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर भी माइनस का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट स्टेप, माइनस का 2 आयोटा, और यहाँ से आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के, यहाँ पे माइनस ऐसी रहेगा, आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के। नेक्स्ट स्टेप इम्प्लाई दैट लगाऊँ, समझ जाओ, नेक्स्ट स्टेप है माइनस का 2 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस का 1।
डिनोमिनेटर में वन आ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइनस का टू आया उठा प्लस का वन। तो अब आप मुझे बता दो कि यहाँ पे रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। अगर इसमें वो आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछता है तो आप कहते हैं माइनस का टू आया उठा, यहाँ से रियल पार्ट पूछ रहा है तो हमारे पास रियल पार्ट है वन। ठीक है, तो रियल पार्ट ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता और ये हमारे पास हमारा रियल पार्ट है वन। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कि इसमें से रियल पार्ट क्या है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। 10 वाले में भी ऑप्शन ए आ रहा है, तो आप यहाँ लिखो 10 में आ रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, जिस तरीके से ये मैंने 10 तक की, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ताकि मैं यहाँ से इसको मिटाऊँ। अब हम करेंगे 11, अपना एमसीक्यू नंबर 11 को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 11 है। ठीक है, 11 में देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 11 में कहता है द प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर आर शोन। देखो भाई, ऐसा प्लेन जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हो। देखो बेटा, ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई थी कि देखो ये आपके पास रियल पार्ट है, दिस वन इज भी, ये आपके पास जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा। तो आप जब इसमें से, या तो आप जब भी आप जो है किससे शो करते हो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो प्लेन होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को शो किया जाता है, ना तो वो हमारे पास रियल प्लेन कहलाता है, ना तो वो कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, ना वो कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। जब कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ही शो करोगे। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि फर्स्ट वाले में आपके पास आंसर आ रहा है बी, कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो आप यहाँ बी लिख दें। सेकेंड वाला एम सी क्यू भी इसी से रिलेटेड, द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्लस एक्स प्लस, देखो ए प्लस बी आयोटा ले लो या एक्स प्लस वाई आयोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो इस एक्स का या वाई का। अब यहाँ पे इन्होंने एक्स वाई दिया हुआ तो कोई इशू नहीं है, आप इसको एक्स वाई की फॉर्म में ले लो। ये एक्स है, ये आपके पास वाई है, रियल पार्ट एक्स है और इमेजिनरी पार्ट वाई है, एक्स प्लस वाई आयोटा ऐसे ले लो, ये वाई आयोटा वाई ले लो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जब भी आपको जो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना होगा किसी भी कॉन्जुगेट नंबर का, तो डिस्टेंस फाइंड करना हो पी ऑफ पी और एक्स, तो कहाँ से करोगे? एक्स एक्सिस से करोगे, वाई एक्सिस से करोगे, इसकी ओरिजिन से करोगे, ये एक्स वाई से करोगे। सिंपल सी बात है, जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम इसके ओरिजिन से करेंगे। सेंटर पॉइंट ये जो होता है ना, ये हमारे पास ओरिजिन होता है, तो हम इसका ओरिजिन से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है सेकेंड वाले का, इसका सेकेंड ईयर कह दिया 12 का, वो आएगा ओरिजिन। सेकेंड 12 का आंसर आएगा ओरिजिन, जो कि आ रहा है ऑप्शन सी राइट। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में? क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है हमारे पास Z1 जो है वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है Z1, जो कि दिया गया 2 प्लस का 3 आयोटा, और Z2 दिया गया है 1 माइनस का आयोटा। और फाइंड हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड हमें क्या है कि मॉडुलस ऑफ Z1 इनटू Z2 फाइंड करें। आसान है, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और फिर हम आपस में उसका मॉडुलस फाइंड कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको उसको फाइंड करना है, बहुत आसान है, वन बाय वन इस तरीके से कीजिए। ठीक है बेटा, आप लोगों ने इतना मतलब प्रेजेंटेशन वहाँ पे रफ वर्क में तो नहीं देनी होती, लेकिन आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि कोई चीज़ ऐसी भी होती है बाद बच्चों, क्योंकि हर बच्चे का मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे चैनल से मेरे लेक्चर्स को नहीं देखा, जिन्होंने मेरे चैनल से लेक्चर्स को देखते हुए आ रहे हैं, उनके लिए तो मेरे अब उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आज, क्योंकि उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत डिटेल में हर एक्सरसाइज को कवर करवाया है। देखो Z1 ये है इंटू Z2, Z2 हमारे पास है 1 माइनस का आयोटा, फॉर्मूला से भी कर सकते हो। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब आपने क्या करना है, पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 को आयोटा से किया माइनस का 2 आयोटा, 3 को 1 से किया आयोटा को तो प्लस का 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, और 3 को आयोटा से किया तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया? मॉडल्स लगाते जाओ, साथ साथ ही लगाते जाओ, कोई इशू नहीं है। 2 अपनी जगह पे रहा, 3 ये दोनों एक जैसे क्योंकि इन दोनों के पास आयोटा है, तो 3 में से 2 को माइनस किया तो प्लस का आयोटा, प्लस 3 के 3 बड़ा है इसलिए प्लस आएगा, माइनस का 3 आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1 के। स्टेप बाय स्टेप नहीं, बस डायरेक्ट करते जाओ क्योंकि इतना टाइम आप लोगों के पास वहाँ पे नहीं होता। ठीक है, 2 माइनस का आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 3 को 2 5 माइनस का आयोटा और मॉडुलस। ठीक है, अब ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो हम सबको मालूम है, हम सब जानते हैं जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही है ना?
तो ए हमारे पास 5 है और बी जो है वो हमारे पास 1 है, तो आयटा तो नहीं लगाते। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रही हूँ, तो ए जो है वो आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 25 डायरेक्ट भी कर सकते हो 5 का स्क्वायर, और बी आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25, 1 का स्क्वायर 1 होगा 25, और एक हो जाएगा 26, 26 ऊपर आ जाएगा रूट। ये हमारे पास ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब आप देखो कि 25 और रूट कहाँ आ रहा है, 26 रूट बी ऑप्शन में आ रहा है, देखें बी ऑप्शन में आ रहा है रूट 26। तो हमारे पास 13 वाले एमसीक्यूज़ का जो राइट आंसर है वो है रूट 26। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। हमारे पास ये एमसीक्यूज़ नंबर 14 है, देन एक्स इज इक्वल टू किसके, एक्स इस किसके इक्वल होगा। देखो यहाँ पे कह रहा है एमसीक्यूज़ नंबर 14 में जेड एक्स सॉरी एक्स प्लस 5 आयोटा बराबर है 3 के, देन एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स को हमें इसमें से फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ये ए है और ये बी है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, मतलब ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम मॉडुलस अगर फाइंड कर रहे होते हैं तो ये बराबर किसके है 3 के। अब अगर हम यहाँ पर एक काम करें, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, देखो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमने जब यहाँ पर स्क्वायर लगाया प्लस का 25, तो इस स्क्वायर ने इसको कैंसिल कर देना है, देखो ऐसे करके, ये रूट को ख़त्म करना है, ठीक है। अब हमारे पास पहले सबसे पहले रूट ख़त्म किया हमने, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस का 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब यहाँ से जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, तो यहाँ से 25 उधर जाएगा 9 के पास, तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो 9 में से 25 को माइनस कर दो तो हमारे पास आता है माइनस का 16। अब यहाँ पे हमें तो एक्स फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर तो फाइंड नहीं करना, अब हम रूट लगाएंगे, हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब कोई काम कर रहे थे दोनों तरफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगा दिया और ये माइनस के 16 पर भी लगा दिया, इसको कैंसिल कर दिया, एक्स हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है ये इस तरह है ना, 16 इंटू माइनस 1, अब 16 का तो 4 हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा रूट में माइनस का 1। आप सबको पता है कि ये बराबर किसके होता है, आयोटा के, आप सब जानते हैं ना, रूट हटेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4 आयोटा, ठीक है। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आयोटा, तो प्लस माइनस का 4 आयोटा कहाँ आ रहा है, प्लस माइनस का 4 आयोटा बी में आ रहा है, ठीक है, इसका भी ऑप्शन बी ही राइट है, 14 में भी आ रहा है ऑप्शन बी। अच्छा मैंने यहाँ 26 लिख दिया, मुझे यहाँ पे ऑप्शन बी लिखना चाहिए था, ठीक है बी, क्योंकि मैं आंसर्स तो नहीं लिख रही, सिर्फ इनके मैं ऑप्शंस मेंशन कर रही हूँ, बुक में मार्क करवा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 4 आयोटा, आप इसको लिख लीजिए 14। अब हम आ जाते हैं 15 पर, लेंदी हो गई है एक्सरसाइज तो एक ही में करवा देती हूँ अब मैं आपको ये सारे। अच्छा एमसीक्यूज़ नंबर 15 में मेरा बेटा वो कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव, आपने इनवर्स फाइंड करना है किस ऑर्डर पेयर का, 3, 4 का। अब क्या आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका एक फार्मूला है जो कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला, देखो जब भी आपने फाइंड करना हो तो a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कॉमा माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो याद कर लो। अब a जो है वो आपके पास 3 है, b जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है 4 है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 3 हो जाएगा, a का 3 का स्क्वायर 9, या डायरेक्ट कर लो या आप चलो स्टेप बाय स्टेप कर लो 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चे, माइनस का 4, ए का 3 का स्क्वायर, बी में 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में 9 को प्लस कर लो 16 और 9, तो हमारे पास होता है 25, ठीक है। तो ये माइनस का 4 नीचे 16 और 9 ये भी हो जाएगा 25, तो हमारे पास आ रहा है 3/4 और माइनस का 3/4 लगा लो ब्रैकेट, कोई इशू नहीं है, चलो भाई ब्रैकेट भी लगा ही लो, ठीक है।
आ क्या रहा है, 3/24 मान आ रहा है ना, ऑप्शन बी में आ रहा है बेटा। देखो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, इसका भी तो 15 में आ रहा है हमारे पास 3/24 और माइनस का 4/24, ठीक है, तो माइनस आएगा, इसका राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है बेटा, चलो कुछ देख लो फिर हम आगे कर लेते हैं। इसका आंसर बेटा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहीं से देख के, देखो ये पॉजिटिव है ना ए, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसका मतलब ना तो ये वाला आंसर आना था इसका और ना इसमें, देख लेते हैं सेकंड वाले में, आपको पता है फॉर्मूला का माइनस होता है, अब जो भी चीज़ आपके पास दी गई है वो माइनस में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सेकंड वाला 4 है ना पॉजिटिव है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, माइनस में आना चाहिए, तो सिंपल आपको पता चल रहा है ये तो हो ही नहीं सकता, तो सिंपल बी का राइट ऑप्शन था। बच्चे देख के भी पहचान जाएंगे अगर उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी होगी, तो अगर उनको फार्मूलाज आते होंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे। अच्छा हमारे पास अब हमारा MCQ नंबर 16 है, इसमें वो क्या कहते हैं कि जेड दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर 3i - 3i+4, अब कहता है कि जेड कॉन्जुगेट क्या होगा। बड़ा आसान सवाल दे दिया इसमें, तो सिंपल हमें क्या करना है, जेड का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो जेड का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड किया जाता है बेटा, सिंपल सी बात है, जेड का कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देते हैं ना। अब हम इसकी अगर साइन को चेंज कर देते हैं, देखो माइनस का 3i+4, अगर हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें तो कैसे करेंगे, सिंपल हम इसकी इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करेंगे, तो ये आयोटा प्लस का 4 है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको फ़र्क पड़ेगा इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज, 3i + 4, 3i + 4 आ रहा है ऑप्शन सी में, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा 16 वाला है इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, निशान हमने लगा लिया। अब आगे कहता है MCQs नंबर 17 में हमें वो कहता है, देखो यहाँ पर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा 3 - 2i आर रिस्पेक्टिवली, रियल और इमेजिनरी पार्ट, चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास हमारा MCQs नंबर 17 है, ठीक है जी, 17 में अब आयोटा 3 - 2i मल्टीप्लाई कर देख लो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3i - 2i से किया तो 2i² 3i - 2i² बराबर है -1 के, 3i - -+2 = 2, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 3i + 2, तो हम कहेंगे रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी 3 है, 2 और 3, तो 2 और 3 हमारे पास कौन किसका आंसर आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो 17 का जो आंसर आ रहा है 17 वो आ रहा है हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है यहाँ ऑप्शन बी लगा रहे, अगर इनकेस यहाँ कोई गलती मुझसे हो भी जाए लिखने में, लेकिन बुक में मैं आप लोगों को सही मार्क करवा रही हूँ। ठीक है चलो अब हम करते हैं बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 18, तो हम पहले 18 लिख लेते हैं। ठीक है अब कह रहा है यहाँ पर, कह रहे हैं a + iota b, अब हमें मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें अब बेटा बेसिकली इसके अलावा और के MCQs होते ही नहीं है ना, इसमें इसी तरह के MCQs जो है वो होते हैं। अभी सिंपल हमारे पास देखो बेटा a + b iota, तो हमें इसको करने की ज़रूरत है, डायरेक्ट पता चल जाएगा हमें बगैर ऑप्शंस किए कि हमारे पास इसका जो आंसर आएगा जब भी हम फाइंड करेंगे ऑप्शन सी राइट होगा। जब भी हम मॉडुलस फाइंड करते हैं तो a² + b iota के ज़रिए करते हैं, a² + b² का रूट लेते हैं तो तभी हम फाइंड करते हैं ना, तो ये बेसिकली खुद एक जनरल फॉर्म ही दी गई है, तो ऑप्शन सी राइट है इसका, तो 8वें का आंसर आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन राइट है। ठीक है इसको लिखने का फ़ायदा नहीं था। चलो जी अब आ रहा है हमारे पास MCQs नंबर 19, 19 में कहता है 1 + iota सिंप्लीफिकेशन होगी इसके ऊपर, 1 - iota 1 - iota और आ रहा है ऊपर 12। ठीक है बेटा चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले एक काम करते हैं हम इनको सॉल्व करते हैं, पावर को फिलहाल अभी नहीं छेड़ते, पावर को भी रहने देते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, 1 डिनोमिनेटर में आए उठा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल अभी डायरेक्ट इसकी रैशनलाइजिंग कर देते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो माइनस का आयोटा हो जाएगा प्लस का आयोटा न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में, ऊपर पावर 12 है वो चलती जाएगी, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है जी तो ये 1 बन जा हो जाएगा 1 + iota, यहाँ पर भी आयोटा और आयोटा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा a² - b² का, कौन सा a + b और a - b आ रहा है, तो 1² - iota² होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे चलो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही तो छोड़ दो, 1
आयोटा आयोटा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे टू आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर बराबर है माइनस वन के, वन का स्क्वायर वन, आयोटा का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। वन प्लस टू आयोटा प्लस माइनस माइनस का वन, वन माइनस माइनस प्लस का वन। नाउ नेक्स्ट स्टेप, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव वन से कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया टू आयोटा, वन वन टू हो गया, सिंपल हो गया यहाँ से, ठीक है। अब टू से टू भी कट गया तो हमारे पास सिंपल बचा आयोटा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे करते जाओ, ऊपर हमने पावर लगाई थी ट्वेल्व, वो मैं यहाँ पे स्किप हो गया, तो ये पावर जो है चलती आ रही है ऊपर ट्वेल्व, तो इस आयोटा के ऊपर क्या है हमारे पास ट्वेल्व है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा का स्क्वायर और ऊपर पावर ट्वेल्व थी तो सिक्स कर दो, टू सिक्स या ट्वेल्व, तो आयोटा का स्क्वायर बराबर किसके होता है माइनस वन के, ऊपर पावर सिक्स है, इवन नंबर होगा तो वन देगा। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा सवाल वन आंसर आया। अच्छा जी, वैसे आता है ऐसे ही है, तो आयोटा आता है या वन आता है, तो इसका वन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, नाइनटीन में आ रहा है बी। तो अब यहाँ लिखो कि हमारे पास जो नाइनटीन है इसमें ऑप्शन आ रहा है हमारे पास वन, तो बी ऑप्शन राइट है, अब रह जाएगा ट्वेंटी, ठीक है, डबल एक्स। तो अब हम इसको भी कर लेते हैं, चलो इसको नोट कर लो यहाँ से, लास्ट हमारा एमसीक्यूज रह गया है 22 पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं स्टेप बाय स्टेप दो से तीन आपके यहाँ पे लेक्चर्स बना के अपलोड करूँगी। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा इज द पावर ऑफ माइनस सेवन, आयोटा इज द पावर ऑफ माइनस सेवनटीन है, सेवन है, सेवन। चलो सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, पहले तो इसको पॉजिटिव कर लो, देखो नज़र आया आप लोगों को, एक मिनट, अब देखें आयोटा के ऊपर पावर जो है वो माइनस का सेवन है, तो हमें क्या पता चलेगा, हम इसको पहले पॉजिटिव करते हैं, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो हमारे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगेन इसको ब्रेक कर लो, आयोटा अलग कर दो और आयोटा के ऊपर पावर सिक्स अलग कर दो, तो ये सेवन हो गया सिंपल, तो यहाँ हो जाएगा आयोटा और ये हो जाएगा टू थ्री ज़ा सिक्स, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास आयोटा का जो स्क्वायर है ये वाली चीज़, ये बराबर होता है माइनस वन के। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ जाओ यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस का वन और ऊपर हमारे पास क्यूब है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आयोटा और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का वन, क्लियर हो गया। अब आयोटा मल्टीप्लाई करो तो माइनस का आयोटा, अब दोबारा डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, अब क्या करें, जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो क्या किया जाता है, देखो यहाँ पर इस स्टेप को यहाँ लिख दिया, रैशनलाइजिंग करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब उनको आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा का स्क्वायर पर माइनस में, ठीक है, आयोटा ऐसे ही रहा, माइनस अपनी जगह पर, आयोटा का स्क्वायर बराबर है माइनस वन के, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपको पता है डिनोमिनेटर में बना जाए तो कोई टेंशन ही, न्यूमिनेटर में आ गया आयोटा, इसका आयोटा आंसर है, तो आयोटा आ रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में। तो हम पेंसिल उठाते हैं और लगा देते हैं टिक, तो मेरे भी सॉल्व हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ये हो गया बी जी। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तमाम प्लेलिस्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैंने अभी तक आप लोगों को चैप्टर नंबर टू भी कंप्लीट करवा दिया है, मैं उसके भी एक्सरसाइज करवा रही थी, तो फिर मुझे अचानक जहन में आया कि आपके कमेंट भी तो आए हुए थे कि मिस पहले आप एमसीक्यूज कवर करवा दें, तो अब मैं सोच रही थी कि मैं साथ साथ चैप्टर ख़त्म होने के बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को भी साथ साथ लेकर चलूँगी इंशाल्लाह अज़्ज़ाबजल। और पिछले साल जो बेटा बहुत ज़्यादा बर्डन था मेरे ऊपर, मैट्रिक क्लास की पूरी प्लेलिस्ट चलाने की ऑनलाइन सेशन, आपको पता है हम कंडक्ट कर रहे होते हैं हमारे ग्रुप में, ऑनलाइन सेशन की फ़ीस जस्ट 1000 रुपीज़ पर मंथ है मैथमेटिक के। अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं ऑनलाइन सेशन में, मैडम 6 मंथ का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट होता है, हम मैथमेटिक आपको 6 मंथ में इंशाल्लाह कवर करवा देंगे। अभी जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं तो हमारे 2 चैप्टर्स जो है वो हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स जो हैं मैं अपलोड भी कर चुकी हूँ चैनल पे साथ साथ। तो मैथमेटिक का अगर की फ़ीस जो है वो 1000 रुपीज़ पर मंथ है, और इसके अलावा अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायो, ठीक है, ये अदर सब्जेक्ट्स जो आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट, अगर आप आईसीएस रखते हो तो जाहिर सी बात है आपके पास जो है वो कंप्यूटर साइंस का मेजर सब्जेक्ट होगा, मैथमेटिक होगा, साथ आपके फिज़िक्स होगा। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो, बॉटनी जोलॉजी के साथ केमिस्ट्री फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होगा, प्री इंजीनियरिंग के हो तो मैथमेटिक फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, तो कोई भी सब्जेक्ट आपका, चाहे आप 9th में हैं, चाहे आप मैट्रिक में हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में, चाहे आप सेकेंड ईयर में, जस्ट 2000 रुपीज़ डिस्काउंट के साथ, कंसेशन के साथ आप लोगों को मिलेगा। 2000 पैकेज है हमारा, तमाम सब्जेक्ट की, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात हो रही है, और कंपलसरी के हम सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ठीक है, और गाइड कर देते हैं गैस पेपर देकर। आज आपको पता है कितनी महंगाई का दौर है बेटा, बहुत कम फीस रखी है ताकि तमाम बच्चे जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते, अकेडमीज ज्वाइन नहीं कर सकते, ताकि क्योंकि सेशन में आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है और बेहतरीन टीचर्स आप लोगों के लिए हायर किए हैं,
जो आप लोगों के लिए क्लासेस कंडक्ट करते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स मैं खुद पढ़ाती हूँ, 9 मैट्रिक हर सेकंड का मैथ्स मैं खुद पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो जो बच्चे ऐड होना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, व्हाट्सएप पर आ जाए, मेरा व्हाट्सएप नंबर 0324222327 है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आ जाएँ और मैसेज कर देंगे, हमें ऑनलाइन क्लासेस का डेमो दे दें। आपका फर्स्ट डेमो फ्री होगा, उसके बाद आपको जो है फी पे करना होगी इजी पैसा के थ्रू। बाकी का प्रोसीजर स्केड्यूल जो है वो आपको तब समझा दिया जाएगा जब आप इंटरेस्टेड होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।